अरे सबर सबर, खोल रही हूँ, एक मिनट। हमसे सबर नहीं हो रहा था। कैसी है बेटी? और मुझसे भी रोना नहीं है, आ गए हैं ना हैं? सब कुछ ख्वाब लग रहा है बाबा, दिस इज सो अनरियल। हाँ देख रही हो, लेकिन ताबीर के साथ। फुप्पो फुप्पो, देखिए कौन आए। सलाम अलैकुम। बाबा ये हमजा की फुप्पो है, और माजी से तो आप मिल चुकी हैं। ये हमजा की फुप्पो है, मेरा और हमजा का बहुत ख्याल रखती हैं। मेरा तारुफ नहीं करवाओगी? एक्चुअली तो आपसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं हुई थी, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई रियली वॉन्ट टू अपॉलोजाइज। किसी माजरत की जरूरत है? आपकी बेटी का घर है, और इंसान अपने बेटी के घर विमान से आता है। अगर बेटी मान दे तो आप मुझे पता है आपने मुझे माफ किया कि नहीं किया? हाँ मुझे जी, मैं तुमसे कैसे नाराज रह सकती हूँ बेटा? तुम तो मेरा सब कुछ हो। I love you, बच्चे। भाई आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरी जगह कोई भी होता, जिस तरह तुम आधी रात को घर का दरवाजा खुला छोड़कर हमजा के घर चली गई, वो यही को सोचता। आप ये कह भी कैसे सकते हैं? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, जबकि वो तो अपने घर पर थे भी नहीं। आवाज नीची रखो। अम्मी को इस बात का नहीं पता, और ना ही इस बात का उन्हें पता चलना चाहिए। आवाज नीची वो रखते हैं जिनके दिल में चोर होता है, और मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा अपना भाई मुझ पे इतना गंदा घिनौना इल्जाम लगाएगा। चीखो मत कितनो। तो मैं आखिरी बार कह रहा हूं, बहुत बर्दाश्त कर चुका मैं तुम्हारी ऐसी हरकत को। आइंदा तुम हमजा के घर की तरफ नहीं जाओगी। अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो या दरख्वास्त, तुम्हें इसे मानना होगा जब भी तुम यहां इस घर में आओगी। आपका ऐसा कोई हुक्म मुझ पर मानना लाजिम नहीं है। चुगलू, मैं अब शादीशुदा हूं, और ऐसा कोई हुक्म मेरा शौहर ही मुझे दे सकता है, आप नहीं। जब भी यहां आओगी तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। आइंदा तुम किसी भी बहाने से हमजा के घर की तरफ नहीं जाओगी, ये बात कान खोलकर सुन लो। मैं बहाने से? या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सारी बातें। जुगनू मेरी बात सुनो। जुगनू
जुगनू मेरी बात तो सुनो। एक बार फिर ट्राई करता हूं। इसे कभी हुआ तो नहीं है कि शिव उसे कॉल करो फोन ना उठा। खैर हमजा की 3 मिस कॉल ड्राइव नहीं है। कॉल नहीं करते, इसे मजा भी नहीं आएगा ना। आते हैं तो सरप्राइज। सोनिया आ रही हूं। शिप, ये क्या है और कहां जा रही हो बैग लेके? अपने घर जा रही हूँ। इस घर पे तो वैसे भी मेरा कोई हक रहा ही नहीं है और अब जाऊंगी ना तो वापस नहीं आऊंगी। आपका दिल चाहे ना अगर अपनी बदनसीब बेटी से मिलने। क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने कुछ कहा है तुमसे? राम तुमने कुछ कहा है? तुम्हारी माँ अभी तक सलामत है और तुम्हारी माँ के होते हुए ना तुम्हें इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। ये बात कैसे भूल गई हो बेटा? अम्मा मैंने इसे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ अकल की बात समझा। आपकी अकल ना आपको मुबारक हो, मुझ में इतनी अकल है कि मैं अपने मरे बाप की इज्जत पे दाग नहीं लगाऊंगी। जुगनू मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा है, बात को खामखा मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? आपने जो मुझ पे कीचड़ उछाला है वो कि मैं ना जमीन भटे और उसमें समा जाऊं, मैं सोच भी नहीं सकती। इतनी शर्मिंदा हो रही हूं मैं उन बातों में। अरे तुम दोनों बहन भाई मुझे जीते जी कब्र में उतारोगे क्या? अरे कोई मुझे बताए तो सही बात क्या हुई है। बेटा बैठो, बैठ कर बताओ मुझे। अपने बेटे से पूछे ना, मुझसे पूछे जा रही है। जमीन फटे और जुगनू उसमें समा जाए, अगर मेरे मुंह से वो बातें निकल जाए अम्मी, सुनो माफ, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। जुगनू जुगनू रुको, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है। मैंने आपको कहा ना, शादी के बाद लड़की सिर्फ अपने शोहर के हुक्म की पाबंद होती है। और मुझे खुरम की कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि मैं फौरन घर पहुंचू। आप लोगों की वजह से नहीं जाए, खुदा हाफिज। आप रोके ना उसे। जुगनू जुगनू मेरी बात सुनो। जुगनू बेटा ऐसे मत जाओ, उसे परेशान करके माँ को चली गई।